नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 27 जून 2024 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। कल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और ये तिथि 6:39 रात्रि तक रहेगी। उसके बाद चंद्रमा का जो गोचर रहेगा सद्विषा नक्षत्र में 11:36 प्रातःकाल तक, उसके उपरांत पूर्वाधपद नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करेंगे। आयुष्मान योग का निर्माण 12:28 प्रातःकाल तक, उसके बाद सौभाग्य योग बनेगा। करण की अगर बात किया जाए तो कल गर करण रहने वाला है 7:47 प्रातःकाल तक, और उसके बाद वाणिज्य करण प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वाले जातकों से। देखिए, आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिससे आप चिड़चिड़ा महसूस भी कल के दिन कर सकते हैं। धैर्य और शांति से आपको कार्य काम लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो दिन रहेगा थोड़ा कठिनाई पूर्वक बीतने वाला है। नए निवेश के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको इस पर अच्छे तरीके से गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भविष्य में आपको लाभ मिल सकता है। दुखद स्थिति में पड़ोसी आपके साथ संयुक्त रूप में रहेंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा। संतान पक्ष से कहा जाए तो निराशाजनक समाचार सुनने की संभावना दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 82% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का जो शुभ अंक है वो 5 और शुभ रंग जो है गुलाबी बन रहा है। उपाय के लिए 5 प्रकार के अनाजों को मिलाकर अगर आप पक्षियों को खिलाते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, व्यापार में सामान्य लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। करियर के क्षेत्र में सोच विचार में आप जरूर रहेंगे और अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न भी कल के दिन रहने वाले हैं। मन लगाकर किए गए काम में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। महत्वपूर्ण पेपर को संभाल कर रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ आप लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना भी आप बना सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 75% तक आपके फेवर में रहेगा। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। उपाय के लिए भगवान भोलेनाथ को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो दिन आपका अच्छा बीतेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज आप दोस्तों के साथ मस्ती भरा पल व्यतीत कर सकते हैं। आपके दोस्त आपके घर आ सकते हैं, उनका खुलकर आपको स्वागत भी करना चाहिए। दोस्तों से मिलने से आपका जो तनाव होगा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा और आपको राहत भी मिलेगी। मेहनत के बाद या आराम का ब्रेक आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा, लेकिन वाड़ी में आपको सौम्यता बनाए रखना चाहिए। माता से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। पारिवारिक निर्णय लेते समय बड़े बुजुर्गों की सलाह ज़रूर आपको लेना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 79% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 2 और शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज आपको किसी बहुमूल्य संपत्ति की प्राप्ति होने की संभावना प्रबल बन रही है। यह संपत्ति परिवार और सदस्यों के बीच में खुशियां और प्रसन्नता लेकर आने वाली है। यदि परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा था तो वरिष्ठ व्यक्तियों की मदद से यह सुलझ भी सकता है। आपकी माता को आंखों से संबंधित समस्याएं अकस्मात उत्पन्न हो सकती है, जिसका समाधान करने के लिए आपको काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ सकता है। सायंकाल में घर में कुछ अतिथि भी आ सकते हैं, जिससे आपका कुछ धन व्यय हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 72% तक आपके फेवर में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए माता सरस्वती की अगर आप आराधना करते हैं तो दिन आपके लिए श्रेष्ठ बनने वाला है। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज आपको उच्च अधिकारियों से अच्छे रिश्ते बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। किसी मित्र से सहयोग आपको निष्पक्ष रूप से मिलेगा, जिससे आपको समर्थन भी मिल सकता है। करियर में तरक्की के योग भी बने हुए हैं। ऑफिस में माहौल जो है अनुकूल बना रहेगा।
आज आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई खुशखबरी सुनने का अवसर भी मिलेगा। जीवन साथी और बच्चों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर यदि जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहने वाला है। पहले से लिए गए फैसले आपके लिए बेहतर फलदायी होने वाले हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 74% तक आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए शिवलिंग पर सफ़ेद रंग की वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज आप अपने चारों तरफ के लोगों के बर्ताव से खुश महसूस होंगे। आपको किस्मत का पूरा पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबारियों को धन लाभ मिलते हुए दिख रहा है और छात्रों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा होगा। कोई बड़ी सफलता निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे। किस्मत पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहिए और आपको अपना जो माइंड होगा उसका भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको अगर आप पूरे तरीके से किस्मत पर आप टिक जाते हैं कल के दिन तो शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में भी नुकसान होने की संभावना बन रहा है। आज शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। दोपहर के बाद घर में आनंद और शांति का जो वातावरण रहेगा वो निश्चित रूप से बनेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 79% तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग नारंगी बन रहा है। उपाय के लिए बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज आपका दिन फलदायक रहने वाला है। आप शांत और शौकत की चीज़ों की खरीदारी करेंगे जिससे आपके शत्रु नाराज हो सकते हैं, लेकिन आप उनके बारे में चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। संध्या काल होते होते आपको कोई खुशखबरी सुनने को भी मिल सकता है। इससे आपका उत्साह जो रहेगा पहले के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो ज़्यादा बढ़ेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक समारोह में भी सम्मिलित हो सकते हैं कल के दिन। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 70% तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कल का जो शुभ अंक है वो 1 और शुभ रंग हरा बन रहा है। उपाय के लिए शिव मंदिर जाकर शिव जी की अगर आप आराधना करते हैं तो दिन आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज आपका दिन ओवरऑल तो अच्छा रहने वाला है। आपके मित्रों से जो मेल जोल होंगे वो अच्छे होंगे, उनमें वृद्धि देखने को मिलेगा। संतान आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आपका संपर्क किसी उच्च अधिकारी से भी हो सकता है। मन स्थिर ना होने के कारण कार्यों को पूरा करने में आपको काफ़ी समय लगाना पड़ सकता है। प्रेम प्रसंगों के लिए कल का दिन थोड़ा सा निराशाजनक रहने वाला है। कार्यों को पूरा करने में मित्र और भाई बहन आपको मदद करेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन 73% तक आपके पक्ष में रहेगा। कल का जो शुभ अंक है वो 8 और शुभ रंग सफ़ेद बन रहा है। कल के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना आपको करना चाहिए। अगले लग्न की बात करते हैं, धनु लग्न। देखिए, आज खर्चे कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का दिन जो रहने वाला है काफ़ी भाग दौड़ भरा रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस करने की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दफ्तर में किसी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए आज ओवरटाइम करना पड़ सकता है। तनाव और दुविधा की स्थिति भी आपको इस कारण महसूस करनी पड़ सकती है। भविष्य की नवीन योजनाओं को बनाने में समय आप अच्छा व्यतीत करेंगे। इसमें आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह और जीवन साथी की सलाह की आवश्यकता भी पड़ेगी। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज आपको कार्यों में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होते हुए दिख रहा है। रात्रि का जो समय रहेगा आप अपने मित्रों के साथ जो है अच्छे तरीके से व्यतीत करेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं ऐसे जातकों को आज अपने सीनियर्स की मदद से प्रमोशन के मिलने की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 75% तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। उपाय के लिए आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। अगले लगन की बात करते हैं, मकर लगन। देखिए, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। जीवन साथी के साथ रिश्ते जो होंगे वो मजबूत होंगे। कार्यों को पूरा करने में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जो रहेगी वो लाभदायक सिद्ध होगी। छात्रों के लिए आज का जो दिन रहने वाला है वो अच्छा रहने वाला है।
आज किसी को भी अपनी सलाह देने से आपको बचना चाहिए, आज आप कई जटिल समस्याएं सुलझाने में सफल भी होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो 71% तक आपका दिन अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए शनि मंदिर जाकर अगर शनि देव के अगर आप दर्शन करते हैं तो आपका दिन काफ़ी अच्छा व्यतीत होगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं, देखिए आज आपका दिन आपको मिश्रित परिणाम देगा। आपका स्वास्थ्य ओवरऑल तो अच्छा रहेगा लेकिन लीगल मामलों में आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी एक ही विषय पर ध्यान देने से लाभ आसानी पूर्वक आपको मिलेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 95% तक अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला रहेगा और उपाय के लिए अष्टलक्ष्मी का आपको ध्यान करना चाहिए। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न। देखिए आज आपका स्वास्थ्य जो रहेगा कमजोर हो सकता है। शिक्षा के कार्यों के चलते आप यात्रा कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता जो रहेगी वो बनी रहेगी। कार्य व्यवसाय में आपको मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी और अविवाहित जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव भी कल के दिन आ सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 78% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग पीला बन रहा है। उपाय के लिए दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो कल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो